रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थककर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, धर्मेंद्र एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानते हैं। मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था वो मेदपाट, प्रागवाट या शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ में दो राजवंशों का शासन रहा है, एक तो गुहिल राजवंश और एक सिसोदिया राजवंश। गुहिल राजवंश का संस्थापक गुहिलादित्य तथा सिसोदिया राजवंश का संस्थापक राणा हमीर को माना जाता है। गुहिलों को रावल की उपाधि से जाना जाता था और सिसोदिया को राणा या महाराणा की उपाधि के नाम से जाना जाता था। गुहिल राजवंश का जो संस्थापक गुहिलादित्य, जिसने 565 ईस्वी में गुहिल राजवंश की स्थापना की, और गुहिल राजवंश को अबुल फजल ने ईरान के बादशाह नौसेखा के समान बताया, शामलदास जी ने वल्लभ भी बताया और जैन ग्रंथों में भी वल्लभ भी बताया गया। शक्ति कुमार का जो आठ पुल लेके, उसमें गुहिलों को वल्लभ भी गुजरात का निवासी बताया गया और डॉक्टर हीराचंद ओझा ने गुहिलों को सूर्यवंशी बताया गया है। गुहिलों के जो कुल देवता है वो एकलिंगनाथ जी है जो कैलाशपुरी उदयपुर में मंदिर है और जिनका कैलाशपुरी है, और आराध्य देवता है जो चारभुजानाथ है जिनका वर्तमान मंदिर चारभुजा गढ़बोर राजसमंद में है, और जो कुल देवी है वो बाण माता है जो जिसका वर्तमान मंदिर चित्तौड़गढ़ में, तथा आराध्य देवी गुहिलों की है जो चारभुजा देवी है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से हम गुहिलों के जो एक एक राजा हुए उनका हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, थैंक यू सो मच, आपका प्यार यूं ही बना रहे। तथा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।